केवल इन 5 पॉइंट को जान लो, मेरी गारंटी है 100% आप तुलसीदास जी का जीवन परिचय पूरी जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। अगर सिर्फ मैं जो इस वीडियो में आपको जो ये 5 पॉइंट बताने वाला हूँ, सिर्फ यही 5 पॉइंट आपको जानना है, फालतू की बकवास आपको नहीं बताऊंगा कि मैं बता दूं आपको एक पेज का जीवन परिचय, दो पेज का, जो कि याद करने में भी आपको काफी ज्यादा दिक्कत होती है। इसमें जितना मैं बताऊंगा उतना ही आएगा, वही चीजें बस आप करोगे, बहुत आसानी तरीके से याद कर लोगे। और अगर आपको न याद हो तो आप चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको पूरा अच्छे तरीके से यही जीवन परिचय एकदम मैं याद करवा दूंगा, सिर्फ 5 ही पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। जैसे स्कूल में आपको टीचर बता देते हैं, फिर बहुत सारे बता देंगे कि अच्छा एक पेज दो पेज, और आप देख के ही घबरा जाते हैं और आपके 10 नंबर वहां से चले जाते हैं। आइए आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताता हूं एकदम आसान लैंग्वेज में। सबसे पहली बात देखिए, जब आप कुछ भी याद करें आपको एकदम सिंपल रखकर याद करना है, बहुत ज्यादा बोरिंग, बहुत ज्यादा हार्ड बना के आप याद करोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी याद करने में और आप याद भी नहीं कर पाओगे। आइए देखते हैं हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय। सिर्फ यहां पर मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा और वही 5 पॉइंट आपको रट लेने हैं, वही चीज याद कर लेने हैं। देखिए मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि कैसे करना है। अब देखिए, जब भी आप किसी का भी जीवन परिचय लिखेंगे, उसके जीवन परिचय में कुछ जो मेन चीजें होती हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको ये जानना जरूरी है कि किसका आप जीवन परिचय लिख रहे हैं, तो उसका नाम, यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे नाम, ठीक, नाम। अब नाम में किसका आप जीवन परिचय लिख रहे हैं, जैसे हम तुलसीदास जी का लिख रहे हैं तो यहां पर हम लिख देंगे तुलसीदास, ठीक है। ऐसे देखिए तुलसी दास। और एक चीज बता दूं आपको, ये जैसे मैं लिख रहा हूं ये आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी ट्रिक इसी में छुपी हुई है जीवन परिचय को याद करने की। और हाँ, जितने भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ऐसे बहुत धमाकेदार कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। देखिए यहां पर नाम लिख लिए, उसके बाद जन्म और जन्म स्थान, मतलब यहां पर लिखेंगे जन्म, इनका जन्म कब हुआ था। देखिए जन्म लिखिए, ऐसे आपको एक खुद से बनाना है, जन्म हुआ था इनका राजापुर बांदा में है, तो यहां पर लिखे, और ये कब हुआ था 1532 ईस्वी में, तो यहां पर हम लिख देंगे 1532 ईस्वी, और ब्रेकर में लिख दीजिए राजापुर में हुआ था, कहां पे, राजापुर, और चाहे तो आप बांदा भी लिख सकते हैं, बाकी राजापुर ही लिख देंगे, बस इतना हो गया। अब उसके बाद, और यहां पर देखो ऐसे अगर आप लिखेंगे ना बोर्ड एग्जाम में, तो एग्जामिनर तो आपको फुल नंबर देगा ही देगा और आपको याद करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अभी चलिए वो मैं बताता हूं। अब जन्म के बाद आपको माता एवं पिता का नाम लिखना है, देखिए माता पिता का नाम, ठीक है, माता पिता का नाम, तो देखिए माता एवं पिता का नाम, तो इनके माता का नाम था हुलसी और पिता का नाम था आत्मा राम दुबे। देखिए माता का नाम क्या था, हुलसी, तुलसीदास जी से मिलता जुलता नाम है ना हुलसी, और पिता का नाम था आत्मा राम दुबे, आत्मा राम, ठीक है, दुबे, तो ये हो गया माता एवं पिता का नाम। अब जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल इसी तरीके से, इसी प्रकार से आप करेंगे और 100% याद हो जाएगा। अभी वो मैं बताऊंगा, ये थोड़ा लिख लो, दो पॉइंट और बचा है कि आप कैसे तैयार करोगे। आप एकदम देखते चलो, कहीं भी वीडियो को भगा के नहीं देखना है, स्किप नहीं करना है, नहीं तो जो ट्रिक है आप वो भूल जाओगे ना। अब देखिये इनकी पत्नी का नाम भी हम लिख देते हैं, इनकी पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली पत्नी, ठीक है, इनकी पत्नी का नाम हम देखते हैं, इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, अब उसके बाद पांचवे में डायरेक्ट आपको लिख देना है इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई थी और कहां पे हुई थी, तो चलिए हम इनकी मृत्यु लिख देते हैं, इनकी मृत्यु आप लोगों को पता भी होगी 1623 ईस्वी में हुई थी, कब हुई थी 1623 ईस्वी में,
अब एक चीज मैं थोड़ा सा आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जो 1532 ईस्वी है और इसी को अगर आप विक्रम संवत में देखेंगे तो ये 1554 विक्रम संवत होता है और ये 1623 ईस्वी है, इसी को अगर विक्रम संवत में बदलेंगे तो 1680 होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कन्फ्यूज हो जाते हैं और बाद में कमेंट कहेंगे कि भैया ऐसे ही नहीं है। अच्छा एक चीज ये कमेंट करना कि ये कितने साल जीवित रहे हैं, 1532 से लेकर 1623 तक कितने साल हुए, यहां से मैं देख लेता हूं आप लोग की मैथ कैसी है। तो आप लोग कैलकुलेट करके बताना कि ये तुलसीदास जी कितने वर्ष जीवित रहे हैं। अब देखिए इसके बाद इतना आपने लिख लिया ये 5 पॉइंट, अब एक जो और आता है वो है रचनाएं। रचनाएं आपको पॉइंट में नहीं ऐसे लिखना है, रचनाएं। अब देखिए इनकी कौन कौन सी रचनाएं है भाई, तो रचनाएं हम देख लेते हैं इनकी। जैसे पहली रचना है रामचरितमानस, क्या है रामचरितमानस। चलो इसको मैं थोड़ा दूसरे पेन से लिखता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, बस वैसे ही राम चरित मानस, ठीक एक में ही रहता है रामचरितमानस। उसके बाद जैसे हो गया गीता वाली, कविता वाली, दोहा वाली, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, काफी सारे हैं जैसे मैं देख के लिखता हूं, जानकी मंगल, ठीक यहां पे फिर पार्वती मंगल, और है कविता वाली, और क्या है गीता वाली। देखिए ऐसे ही इनके काफी सारे हैं, तो इतने लिखते हैं। अब इसको आप याद कैसे करोगे, एक पेज में आपको इतना लिख लेना है, ठीक। जब इतना आप लिख लिए पेज फाड़िए अपने पास रखिए। अब उसमें आपको मतलब जैसे आप बाहर हैं या फिर कहीं भी हैं, दिन में 5 से 7 बार आपको इसका रिवीजन करना है। जैसे आप बस ऐसे खोले, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको रिवीजन करने। नाम देखे, नाम तुलसीदास, मतलब तुलसीदास जी का जीवन परिचय है बस। जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में, माता का नाम था, और माता का नाम होलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था, पत्नी इनकी रत्नावली थी, इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हो गई थी। रचनाएं आपने कुछ देख ली, रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला छू, कविता वाली, गीता वाली, ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक। और देखो अब एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम की तो खैर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा बताऊंगा कि एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है, बट अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए जब आप जीवन परिचय लिखने लगेंगे एक पेज का, अब वो एक पेज इसी में से बनेगा, बाकी तो और सब कहानियां होते हैं वो मुश्किल से आपको 2 मिनट में याद हो जाएंगी कि इन्होंने क्या किया था, ये कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, उसके बाद इनकी शादी कब हुई, ये कहाँ चले गए थे, और ये सब जो चीजें हैं बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। मेन इतना ही रहता है। तो ऐसे लिखोगे कि तुलसीदास जी का जन्म राजा 1532 ईस्वी में राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, इनकी माता का नाम होलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था, उसके बाद बीच की कहानी जो कि 2-4-5 मिनट में आप याद कर लोगे, बना के लिख लोगे। देखो मेन चीजें यही सब होती हैं, एग्जामिनर की डायरेक्ट नजर इसी पे पड़ती है और यही सब देख के आपको नंबर देता है, तो इसलिए आपको ऐसे करना है। बाकी एक पेज का जीवन परिचय लिखने के साथ ही साथ बगल में आपको छोटे में ये भी लिख देना है कॉलम में बना के, चाहे 5 पॉइंट लिखो चाहे 7-8 पॉइंट लिख दो, ठीक है। इसको लिखने से एग्जामिनर के अंदर एक अलग सा इंप्रेशन जाता है कि अच्छा इस बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई की है, और जिसकी वजह से वो आपको अच्छे नंबर देता है। बाकी हाँ, क्लास 10 की अगर तैयारी कर रहे हो, 2024 बोर्ड में आप फोड़ना चाहते हो 90% 95%, तो चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस साल काफी सारे बच्चे इसी चैनल से पढ़कर 97% तक लाए हैं, ठीक है, 97 ऑल ओवर। बाकी 96 भी आया है, 95 भी आया है, आप जाके चैनल चेक करना, रिकॉर्ड चेक करना, 3 साल से इस पे हूँ, ठीक है। और ऐसे ऐसे गेस क्वेश्चन बताता हूँ जो कि पूरे वही बोर्ड परीक्षा में फंसते हैं, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जितनी वीडियोस बनाता हूँ सिर्फ वही देख लो, आपका काम हो जाएगा। चलो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना।